देखी भी इन्होंने ट्रेन आज तक है। पहली बार बैठ रहे जनरल में घूमने वाले। ये बढ़िया चीज है भाई। अभी तेरा भाई लगाएगा VPN। मेरा नाम आर्यन और मैं स्वागत करता हूँ सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो भाई जैसे कि हमारी ट्रेन लग चुकी थी, ये रही हमारी ट्रेन और ये रहा हमारा कोच। B4 में हमारी सीट है, थर्ड AC की टिकट है हमारी, हम तीनों की, ठीक है। और हम लोग सब के सब तैयार है भाई रामेश्वरम चलने के लिए। एक्साइटमेंट देख रहे होंगे भाई हम। ये गरीब जनरल में जा रहा है जो हमें थर्ड AC में लेके जा रहे हैं। हाँ भाई, मेरे टिकट के पैसे इन्होंने दिए भाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। बहुत हेल्प किया इन लोगों ने, अदरवाइज शायद फाइनेंस का आज भी बचा लिया तू। हाँ ठीक है, इन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग की है भाई। हमारे साथ फाइनेंसर चल रहे हैं, हमारे साथ फाइनेंसर है हमारे भाई, गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर ऊपर से जॉब वाले। ओ मेंशन कर दिया भाई, प्लेसमेंट हो गई है मेंशन। चलो भाई अंदर चल के आपको दिखाते हैं ट्रेन का लुक। चलो बना गया पोज। नो मीडिया प्लीज। अब चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं ट्रेन का लुक। चलो भाई उठा लो बैग बुक अपने। हेलो बैग बुक उठा लो भाई अपने। चलो चले अंदर। भैया जनरल में चढ़ना था भैया, कहाँ थर्ड AC में चढ़ रहे हो आप? ये देख रहा है जनरल वाला महंगी ट्रेन में चढ़ रहा है, देख रहा तू जनरल वाला महंगी भैया। ये गरीब साले कभी देखी भी इन्होंने ट्रेन आज तक है। पहली बार बैठ रहे जनरल में घूमने वाले। तेरा फाइनेंस कर रहे हैं फाइनेंसर यहाँ पे आया। भैया आप नीचे उतर जाओ, जनरल में चढ़ना है। गरीब साले गेट नहीं खुल रहा है। मंदिर दो दिन लगा ये है गाइस हम लोग की सीट। क्या क्या नंबर है भाई अपना? ये बीच में ये गियर और अपना पढ़ के सोचो। चल 33, 34 और 36। यार मेरे को मिडिल बर्थ क्यों मिला भाई, दुख। ये बेस्टी है, ये सबसे बेस्ट चीज देख रहा है। हाँ ये बढ़िया चीज है। अभी तेरा भाई लगाएगा VPN। ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और सीरीज डाउनलोड कर देगा, इतनी कर देगा किसी ने सोची ना होगी। गाइस दो दिन के लिए हमारा घर यही है। ये क्या है भाई? YouTube से नई चीज है गाइस, आपको एक चीज दिखाते हैं भाई। ये वीडियो में नहीं दिखाना भाई। अमृत ऐसे मैं किसी के आगे वो फेक दिखाना नहीं था। फेक नहीं भाई, वो तो रियल था। हाँ उसमें पानी था ब्रो। गाइस हम सेटिंग करते हैं। अभी बाहर से ही तो भरा था यार, झूठ कैसे बोल रहे। गाइस ये अमीर बंदे कंच की बोतलों में पानी पीते हैं। सुनारी कहते हैं। गाइस यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है। इस ट्रिप पे सब होगा गाइस। अपना ऊपर चल। गाइस ये जलील करके भगाया जा रहा है। चलो टोपी को टोपा। हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग अब हम कवर करने जा रहे हैं। पहला हमने सोमनाथ कवर किया था, अब सेकंड हम कर रहे हैं रामेश्वरम। हाँ जी कुछ कहेंगे आप? बस बने रहिए एक्सपीरियंस के लिए, ताकि और ज्योतिर्लिंग भी कवर हो जाए। अभी तेरा तो पहला ज्योतिर्लिंग है हमारे साथ, तू तो स्प्लिट वाइज में अभी ऐड हुआ हमारे साथ। हमारा तो अकाउंट पहले से चलता आ रहा है, एक गरीब साल है। चल तो हमारी ट्रेन ने अब हॉर्न दे दिया भाई, अब हम चलने के लिए हो चुके हैं तैयार। ये देखो भाई TT की भी सीटी चलो भाई बच चुकी है, पुलिस वालों ने लगा दी है सीटी। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, ओके गाइस बाय बाय। चलो चले ठीक है भाई। गाइस हम कर देते हैं हजरत निजामुद्दीन को बाय बाय। हमारी ट्रेन चल चुकी है। So guys, सुबह हो चुकी है और हम लोग सो के उठ गए हैं। अब लग रही बहुत तेज भूख। क्या लेना भाई खाने के लिए?
क्या सोच रहे हो भाई? स्कीम्स बना रहे हैं क्या करना है? ट्रेन चल रही है 2 घंटा लेट। हाँ भाई साहिर, जिंदगी में पढ़ा तूने इतना जो तो पढ़ रहा? नहीं यार। शो ऑफ? नहीं यार, वैसे ही एस्थेटिक। तो वही तो। हाँ शो ऑफ। काश थर्ड सेमेस्टर इतना पढ़ लिया होता तो इससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। नहीं ना आती है तो नहीं, वो फर्स्ट में थी। सॉरी सॉरी भैया, वुड नहीं, वुड नहीं है यार, वुड नहीं है, वुड नहीं है, वुड नहीं है। अब तो हो गया होता होता तो ओए ले ले भाई, स्टैट में रीड नहीं तेरी। क्या चाहिए तेरे को? तो हमने ले लिया उपमा, और क्या लिया भाई? ब्रेड ऑमलेट। Let's see how it tastes. रिव्यू दो भाई। इसका तो गंदा कटे। क्यों क्या हो गया? ये पोहा पोहा ये उपमा देखो गाइस। बोला उपमा के नाम पे खिचड़ी दे दी। खिचड़ी से भी गंदा है। अरे दल दिया तो मुझसे सोच देखा थी दिया। कोई बात नहीं गाइस, आगरा आने वाला है। अबे तेरा कैसा? ठीक है, नॉर्मल। आगरा में क्या लेना? टांग मुर्गी। अबे देखेंगे हमें का बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। कोरा ही कोरा हो रहा भाई, बिल्कुल ही। तो हम लोग खड़े थे भाई यहाँ पे, डोर पे खड़े थे। हम लोगों को पता चला कि हमारी ट्रेन चल रही है 2-2 घंटे लेट, 2 से 2.5 घंटा लेट चल रही है हमारी ट्रेन। क्यों, किस वजह से? कि बाहर है बहुत कोहरा, ये देखो कितना कोहरा हो रहा है बाहर, इस वजह से ट्रेन चल रही है बहुत ज़्यादा लेट। ठीक है, लेकिन उम्मीद है भाई कि आगे जाके कवर कर लेगी। ठीक है, अभी हमने ट्रेन से पेंटे से लिया, इतना कुछ खास नहीं था। सबको पता ही, जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको पता ही कि बहुत नॉर्मल फूड था। ठीक है, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं था। बट आगरा में हम सोच रहे हैं कि अच्छा कुछ ले लेंगे खाने के लिए, तो अभी आगरा आने वाला है, फिर लेते हैं कुछ। ठीक है, अब ज्वाइन करेंगे। मिलती है ये ऐसा सक्सेस भाई, इसने 4 बॉटल एक साथ ले ली। 4 बॉटलें तू पी लेगा? 4 बॉटलें ठंड में बर्फ तो एक नहीं, मेरी नहीं पी जा रही। क्यों, तेरे अपना नलका उससे पी लिया कर भाई, फ्रेश ताजा तलवार से। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मिल गया भाई? तो भाई हम खाने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ट्रेन अपनी चलने वाली है, जिससे पहले अपनी ट्रेन स्टार्ट हो जाए चलनी। ट्रेन ने दे दिया हॉर्न, चले जरा अंदर फटाफट से ट्रेन में बैठ जाते हैं, जिससे पहले भाई हम छूट ही जाएं। हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट के जंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और इतना भयंकर हॉर्न मार दिया, पूरी वीडियो खराब कर दी, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, ताकि भाई रास्ते में स्टेशन जो है अगला स्टेशन वो लेट आएगा, तो सोचा भाई थोड़ा खाने के लिए ले लेते हैं और फिर बैठते हैं अंदर और खाते हैं, क्योंकि लग रही है भूख और कुछ अच्छा सा नहीं मिल रहा भाई खाने के लिए, जिससे कि मतलब ऐसा लगा आज सेटिस्फेक्शन से कि अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया। ठीक है, तो चलो अब अंदर चल के बैठते हैं, अपने साथी कर रहे हैं इंतजार। तुम्हें पता ही है 2 गंदे लोग हैं मेरे साथ, साहिल और विनीत उनका नाम है। चलो चलते हैं अंदर। गाइस ये रहे 2 गंदे लोग बैठे हुए, ये देखो तरीका, देखो इनका बैठने का, इनका तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। गाइस हमने यहाँ पे खोल लिया है क्या बिजनेस, ये अपना गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर ने तरीका निकाला है बिजनेस खोलने का। ये देखो, एक बॉटल कितने की थी भाई? बॉटल 15 की एक बॉटल थी, और इसने कितने बेचने में बात की है? 25। गाइस यहाँ पे हमने कर दिया अपना बिजनेस का काम शुरू। MBM इसलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे, ट्रेन के टिकट के पैसे वसूल करेंगे। ब्लैक पानी बता के ब्लैक वाटर थोड़ा सा उसमें मुद्दे उसमें रंग डालेगा भी। रेल नीर में ब्लैक वाटर आने लग गया, कीचड़ मिला दिया। लोग ट्रेन में चलते चलते कुछ खा रहे थे। ठीक है, हमें लग रही थी भूख, हमने ये हाइड एंड सीक खोल लिया, और तब तक यहाँ पे साहिल सो रहा है भाई। साहिल के खराटे सुनाता है तुम लोगों को, रुको जरा। खराटे ले रहा है ये। ठीक है, इसको तो ब्लॉग में डालना बनता, क्यों नहीं? बिल्कुल मेरे भाई। भैया कोई बात नहीं गाइस, मोटापे में ऐसा चलता रहता है। जरा मैं सुन लूँ इसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही रिकॉर्ड में।
बिस्किट खोल ही लिया था तो उसके साथ भाई चाय भी ले लेते हैं। तो गाइस तुम्हें दिखाते हैं हम रेलवे की चाय। ये रही भाई रेलवे की चाय, भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज। तो जब हमने बिस्किट का पैकेट खोली लिया तो हमने सोचा भाई क्यों ना इसमें डिप करके खाया जाए हाइड एंड सीक बिस्किट। चाय सही हो रही यार ना भाई, हमारा लंच तो आ चुका था लेकिन मैंने की चिकन बिरयानी ऑर्डर, मैंने सोचा था कि इसको रिप्लेस करा के चिकन बिरयानी लेंगे और चिकन बिरयानी अब तक आई नहीं है। हाँ तुझे भी खानी है क्या? तो आओ फिर पेंट्री जाएंगे। अब देखो साहिल का भी ऑर्डर आ गया, अब दो चिकन बिरयानी लेके आते हैं, ठीक है? पेंट्री घूम के आते हैं, चलो पेंट्री घूम के आते हैं। तो गाइस पेंट्री तक तो हम पहुंच नहीं पाए, रास्ते में भैया मिल गए थे, तो नहीं हमने ऑर्डर कर दिया, ठीक है? तो अब हम लोग अपने उसमें जा रहे हैं, कैबिन में चलते हैं और वहीं पे वो बोल रहे खुद ही आ जाएगा खाना जो हमने ऑर्डर किया है, ठीक है? वहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, चलो चलते हैं। गाइस आ चुका है हमारा रेल का फूड, ये देखो ये है वेज। क्या क्या भाई बनी थी इसमें? मटर पनीर, दाल और आलू की सब्जी भाई, और सारा फीका पड़ा है, सारा फीका टेस्ट करके देख लिया तो सारा फीका लगा। ये देखो भाई हमारे नॉन वेज भाई साहब, इन्होंने लिए चिकन बिरयानी जिसमें कि एक लेग पीस है बस। हाँ भाई थोड़ी सी तरी हाँ भाई थोड़ी सी ग्रेवी। चलो अब टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं भाई कैसा रहा, रिव्यू देते हैं फिर उसके बाद फूड का। हम लोग पहुँच चुके हैं झांसी के रेलवे स्टेशन में, ठीक है? यहाँ पे हम लोग उतरने वाले हैं, थोड़ी देर फ्रेशन अप करते हैं, अपने माइंड को थक चुके हैं भाई बैठे बैठे एक ही जगह में, ठीक है? हम यहाँ उतरेंगे थोड़ा और कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाए अच्छा तो उसको रख लेंगे बाद के लिए स्टोर करके, ठीक है? भाई साहब क्या खाना पसंद करेंगे आप? भेजा फ्राई। भेजा फ्राई, चलो चलो उतरते हैं यहाँ पे, देखते हैं भाई। गर्मी शुरू हुई है भयंकर भाई, अब तो एसी चल रहा है ट्रेन में। झांसी के स्टेशन में घूम रहे हैं, ये रहा झांसी का स्टेशन, आप लोग देख लो यार। यहाँ पे कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा है फिलहाल, स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है भाई झांसी का, काफ़ी ट्रैक है इसमें, जरा देखते हैं यार कुछ यहाँ का लोकल फूड मिल जाए, झांसी का फेमस कुछ मिल जाए। चलो देखें जरा, शॉप पे लग तो रहा है कुछ, कुछ नहीं यार, ब्रेड ऑमलेट बन रहा है यहाँ पे और नॉर्मल समोसा है, बाकी कुछ खास नहीं है ऐसा। हमने डिसाइड किया हम कुछ नहीं खरीद रहे, ठीक है? मुझे ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे, तो हम चल के वापस ट्रेन में बैठ जाएंगे थोड़ा घूम के और थोड़ा यहाँ पे देख के भाई क्या है कैसे लोग हैं यहाँ के, इसको देखना जरा अलग ही बुक का चाव चढ़ गया अलग से। ये देखना सारी बुक पड़ेगा भाई, ये सारी पड़ेगा आज तो, जिंदगी में नहीं पढ़ी इसने बुक, चेतन भगत की पढ़ ले तो 400 days भाई। ये उनमें से जो सिर्फ देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं दिखाने के लिए, भाई ये बहुत पढ़ाकू है। ऊपर ऊपर ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और भाई हम अब तक सामान ही ले रहे हैं, ऐसा ना ट्रेन चल दे और सामान भी ना ले पाए। कितना बोल दिया? जल्दी कर रहे हैं। फिलहाल तो ट्रेन खड़ी है भाई, एमआरपी से ऊपर दे रहे हैं, एमआरपी से ऊपर है। अभी कितना बचता है? बहुत रहता है 80% सफर रहता है भाई, और अब लग रही है हमें भूख, हम देखना है कुछ तो यहाँ तो मिल जाए स्टेशन में। जमीन में पैर रखने के लिए तरस गए थे भाई हम, बड़ी मुश्किल जाके एक स्टेशन आया और हम इतनी जल्दी उतरे हैं, हमसे सफर ही नहीं हो रहा था। अब देखते हैं क्या लेते हैं खाने के लिए और आप लोगों को दिखाएंगे जो भी हम लेंगे। चलो स्पेशल तो खाने को नहीं दिखा तो हमने इसलिए ब्रेड ऑमलेट ले लिया फिलहाल भूख मिटाने के लिए,
ठीक है भैया से ब्रेड ऑमलेट लेके चलते हैं क्योंकि और कुछ तो स्पेशल दिख नहीं रहा है खाने को, इससे थोड़ी देर काम चला लेंगे। चलो ये रही शक्ल, अचार खोलते हुए खिड़की में अचार लगा, इसका ज्ञान दे रहा था गाइस, कर्मा हो गया इसके साथ, लॉ ऑफ कर्मा हो गया इसके साथ। रात को हम खाना खा रहे हैं 11 बजे जब पूरी दुनिया सो रही है, और इस भाई ने अचार खोला, सीधा अचार की धार मार दिया गाइस, सब्जी ऐसी थी, सोचा अचार के साथ रोटी खाऊंगा, अचार का ये हो गया। अब खिड़की पे लगा के खाऊंगा रोटी अब अगले स्टेशन पे वेट करूंगा अचार का पैकेट देना